सो द लास्ट वीडियो ऑफ चैप्टर 4 है ना, तो हम बात करेंगे टेलनेट और एसएसएच के बारे में। कॉन्सेप्ट सेम है, टीसीपी पे चलते हैं दोनों, टेलनेट ऑन 23, एसएसएच ऑन 22। टेलनेट आपका प्लेन टेक्स्ट डेटा जाता है इसके अंदर, वायर शार्क वगैरह से अगर आप पैकेट कैप्चर करते हो तो आपका डेटा एट रिस्क है और अनइनक्रिप्टेड डेटा होता है। तो एसएसएच ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड इनक्रिप्शन, इट इज सिक्योर एंड इट इज द रिकमेंडेड मेथड फॉर द रिमोट एक्सेस इन द इंडस्ट्री। तो ये सारी बातें हैं। और टेलनेट का हमें पता है भाई, जैसे आपको पासवर्ड आप नहीं लगाओगे टेलनेट और एसएसएच का, जो कि कॉमन ही होता है, जब आप पासवर्ड डाल के पासवर्ड डालते हो, आई विल शो यू द कमांड कि किस कमांड से हम फायरवॉल में टेलनेट एसएसएच का पासवर्ड डालते हैं। देखो एक्चुअली हमने बोला था लाइन VTY वगैरह सब यहाँ नहीं होती फायरवॉल में, तो हमें अलग कमांड होती है हमारे पास, एक पास WD करके, PASWD करके। तो वो अगर आप कमांड नहीं डालोगे तो आपका टेलनेट एसएसएच नहीं रन करेगा। पहली तो प्रीरिक्विजिट यही है। दूसरा, अगर आप एसएसएच कॉन्फ़िगर करते हो तो हमें पता है डोमेन नेम देना जरूरी है और इनक्रिप्शन के लिए कीज जनरेट करना, RSA कीज जनरेट करना वो जरूरी है। तो ये सब कुछ वही बुनियादी बातें हैं हमारी। तो लैब मैं यही रखूंगा सेम, इफ यू विल सी हियर तो सेम लैब इज देयर। एंड व्हाट आई विल डू हियर, मैं इस लैब के अंदर फिर सेम कॉन्फ़िगरेशन एवरीथिंग, तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। अदरवाइज आई विल शो यू कि एवरीथिंग इज कॉन्फ़िगर्ड देयर, R1, R2, फायरवॉल, देन वी हैव टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहली बात, लेट मी शो यू वन बाय वन। तो हम देखो ASA है मेरे पास, तो ये सब कुछ हमारी टेस्टिंग चल रही थी अभी। अब इसको मैं अगर फ्रेश आपको दिखाऊं, शो IP एड्रेस, तो मेरे पास IP है आउटसाइड, इनसाइड एंड मैनेजमेंट। ओके, शो नेम इफ, तो सिक्योरिटी लेवल मेरे पास ओके रिपोर्ट है दोनों, इनसाइड 100, मैनेजमेंट 100 एंड आउटसाइड 0। चलिए ठीक है, शो इंटरफेस IP ब्रीफ भी आप करके देख सकते हो, यहाँ से भी सब अप है, वो पिंग वगैरह करके भी आप देख सकते हैं, तो दैट इज नॉट एन इश्यू, बट दैट इज द सेम थिंग, सेम लैब हमारी लास्ट वाली। अब R1 हमारा कौन सा है, लेट मी शो यू वन मोर टाइम। R1 है आउटसाइड वाला, वैन वाला, तो लेट मी राइट इट हियर इन कैप्स, दिस इज वैन साइड, मीन्स आउटसाइड वाला ना, दिस वन, एंड दिस इज माई लैन साइड, लैन साइड राउटर जो है मेरा इन साइड वाला, ठीक है ना। तो R1 की साइड मेरा 10.1.1.0 का नेटवर्क है और R2 की साइड 10.2.2.0 का नेटवर्क है। R1 पे .1 है, R2 पे भी .1 IP है, सिस्को पे दोनों इंटरफेसेस पे .2 है। ऑन दैट नोट आई विल ट्राई कि मैं R1 से अगर पिंग कर पा रहा हूँ क्या, मेरा 10.1.1.2 को फायरवॉल को पिंग कर पा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं टेलनेट ले पा रहा हूँ 10.1.1.2 से? नो। ओके, राउटर 2 से क्या टेलनेट ले पा रहा हूँ? पहले पिंग देख लूँ, 10.2.2 आ रहा है, तो टेलनेट लिखना जरूरी नहीं होता वैसे, 10.2 ट्राई करोगे नहीं हो रहा है। तो व्हाट यू नीड टू डू, इनेबल टेलनेट। हमने पढ़ा था भाई टेलनेट ऐसे ही नहीं एक्सेस होता, पर इंटरफेस आपको इनेबल करवाना होता है और आपको इंटरफेसेस उनके नाम से रेफर करने होते हैं। तो मैं लिखता हूँ भाई टेलनेट किसके लिए अलाउ कराना है मेरे को। अच्छा, आगे ना कुछ बातें हैं मैंने लिखी हुई है कि भाई टेलनेट का जो एक्सेस है वो लेस, जो आपका लोअर सिक्योरिटी लेवल है उस पे ब्लॉक होता है। तो मैं आपको अगर करके दिखाता हूँ वन बाय वन, पहले मैं आपको इनसाइड के लिए करके दिखा दूँ कि टेलनेट मेरा इनसाइड नेटवर्क कौन सा है, 10.2.2.0, इसके लिए भी अलाउ कर सकते हो, और आप जो स्पेशली राउटर 1 की IP है उसके लिए भी अलाउ कर सकते हो, वो मैं आपको सेकेंड टाइम दिखाऊंगा आउटसाइड वाले के लिए, बट लेट मी शो यू दिस वन, है ना, आपको करके दिखाऊंगा मैं सिंगल IP का। आई गेस मैंने पहले ही बोला था कि दिखाऊंगा, एंड इन दिस लैब विल डू दैट। 255.255.255.0। अब यहाँ आप देखो कि जो मेरा 10.2 वाला नेटवर्क है वो किस की साइड है, R2 की साइड है ना, तो इनसाइड पे। तो ये कमांड जिस भी साइड आपने टेलनेट इनेबल कराना है वहां पे ये कमांड रन करनी, दैट्स इट। अब मैं जाऊंगा अगर राउटर 2 पे, नाउ यू कैन सी टेलनेट इज वर्किंग ऑन दिस साइड। पासवर्ड, अब पासवर्ड तो आपने डालना नहीं है, तो इसके लिए जरूरत होती है पासवर्ड डालने की। तो पासवर्ड की कमांड क्या है, पास WD लेट्स से 123, तो नाउ आई विल पुट द पासवर्ड 12। अच्छा एक काम करूं क्या, इसको मैं यहां से अगर एग्जिट कर दूं R2 पे, और यहां से मैं इसको
हटा दूं पासवर्ड को, ठीक है। दोबारा लेट मी ट्राई पासवर्ड, अब अगर मैं एंटर करूं, सी अब ऐसा नहीं कि एम्प्टी पासवर्ड है, ठीक है ना। सो आई नीड टू पुट द पासवर्ड। चलिए जी, तो 1 2 3, नाउ यू कैन सी यू आर इन द ASA। और कैसे वेरीफाई कर सकते हो इसको, आप हु की कमांड चलाओगे, इनेबल पासवर्ड यहाँ पे। अच्छा, ये पासवर्ड ऑप्शनल है, आप अगर चाहो तो अपने, यू नो, रिकमेंडेड तो यही है कि भाई आप पासवर्ड लगाओ। सो लेट्स से एग्जिट, है ना, और आपने टेलनेट का पासवर्ड तो लगाया ही है, साथ में आप यूजर पासवर्ड भी लगाओ, इनेबल पासवर्ड। तो 1 2 3 था, इधर कुछ भी रख लो, ये अभी तो मैं सिंपल से लगा रहा हूँ, एक्चुअल में आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाने होते हैं। सो इफ यू विल ट्राई, दिस इज योर टेलनेट पासवर्ड 1 2 3, नाउ यू विल पुट योर यूजर पासवर्ड, तो व्हाट इज दैट, 4 5 6, नाउ यू आर इन द सेकेंड मोड ऑफ ASA। तो दिस इज हाउ यू डू टेलनेट, ठीक है। और अब वेरीफाई करना है, तो हु की कमांड चल रही है, तो एक बंदा एक्सेस कर पा रहा है, कौन है वो, 10.2.2.1, बिकॉज राउटर 2 की IP क्या है, 10.2.2.1, ठीक है। अब मैं बोलूँ राउटर 1 से, इनसाइड से तो हो गया एक्सेस, आउटसाइड से क्या हो पाएगा, लेट मी इनेबल इट फॉर आउटसाइड ऑल्सो। सो टेलनेट इनेबल कर दो 10.1.1.0 के लिए विद दिस सबनेट मास्क, एंड किस इंटरफेस पे है ये, आउटसाइड पे। तो क्या आउटसाइड से टेलनेट एक्सेस हो पाएगा, देखो नहीं हो पा रहा ना, वाई, बिकॉज टेलनेट सिर्फ हायर सिक्योरिटी लेवल की साइड ही आपका इनेबल होता है, एक्सेसिबल होता है, लोअर साइड पे नहीं होता, ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरा, अब हायर और लोअर से मेरा मतलब क्या है, देखिए अब जरा थोड़ा सा, मैंने क्या किया कि इंटरफेस गिग 0/0 है मेरा, जो बाहर की तरफ कनेक्टेड है। लेट मी शो यू, शो इंटरफेस IP ब्रीफ, तो 10.1.1 किस इंटरफेस पे है, 0/0 पे, ठीक है, जो आउटसाइड है, इंटरफेस गिग 0/0, एंड सिक्योरिटी लेवल मैं कर दूं अब 100। नाउ सी द मैजिक, सी टेलनेट इज एक्सेसिबल। तो 1 2 3 इनेबल, 4 5 6, नाउ यू कैन सी यू आर इन द ASA, एंड हु करोगे, नाउ टू पीपल आर एक्सेसिंग इट, मेक सेंस। चलिए अब लेट्स से मैं यहां से किल करता हूँ इन सेशन को, आप किल की कमांड से, किल 0, एंड आप ये वाला कौन सा था, 1, तो जैसे किल 1 करोगे इससे ही बाहर आ जाओगे, दोबारा एक्सेस ले सकते हो। अच्छा, अब मैं क्या करूं कि मेरा इस पे, तो आपने देखो 100 से नीचे कुछ भी कर दो, 90, अगेन इट विल नॉट वर्क, सी, बट यहां पे इट विल वर्क बिकॉज इसका तो 100 ही है। अब मैं क्या करूं, गिग 0/1 का जो मेरा कौन सा था, आपका लैन साइड पे, उसको आप क्या कर दो, 90 95 कुछ भी कर दो, लेट्स इसका भी 90 रख दो, ठीक है ना। अब ट्राई करो इसको दोबारा से, सी ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, या तो अगर सेम रखने हैं दोनों के तो 100 रखो, दोनों के हाइयर रखो, अगर कम कर रहे हो और दोनों के बराबर कर दिए तो आप किसी पे भी नहीं चलेगा। अब एक चीज हो सकती है कि आप एक का हाइयर कर दो एक का लोअर, और हाइयर अगर 100 है ना तो सिर्फ वही हाइयर माना जाएगा, बाकी सब लोअर माने जाएंगे, सब किसी पे भी नहीं चलेगा, सिर्फ 100 वाले पे चलेगा। लेकिन आपने अगर कर दिए, मतलब ए सब 100 किसी पे नहीं कॉन्फिगर किया, एक पे 90 कर दिया, बाकी पे 80 70, तो 90 वाला अब क्या माना जाएगा, न्यू हायर, तो सिर्फ 90 वाले पे इनेबल होगा, बाकी किसी पे। लेट मी शो यू, इसमें मैंने गिग 0/1 पे 90 है, 0/0 पे मैं क्या कर दूं, 80 कर दूं सिक्योरिटी लेवल। नाउ यू कैन सी, पहले तो नहीं चल रहा था किसी में भी, अब इस पे चल जाएगा बिकॉज इट इज हायर, इस पे नहीं चलेगा बेटे बिकॉज इट इज लोअर। बट अगर आप इस पे भी क्या कर दोगे, लेट्स से दोनों पे क्या कर दो, 80, तो फिर किसी पे। आई गेस आई मेड द पॉइंट क्लियर कि जो टेलनेट है वो सिर्फ हायर इंटरफेस पे ही, हायर सिक्योरिटी लेवल इंटरफेस पे ही इनेबल होता है, राइट। तो टेलनेट टाइम आउट है आपका 5 मिनट डिफॉल्ट होता है, कि कितने टाइम के बाद वो एग्जिट हो जाए सेशन इनएक्टिविटी के दौरान, तो आप उस टेलनेट टाइम आउट की कमांड भी होती है, तो आप वो चला सकते हो, टेलनेट टाइम आउट। तो दिस इज द, यू नो, डिफॉल्ट इज 5 एंड दिस मच टाइम यू कैन कॉन्फिगर। खैर, अब बात आती है वेरिफिकेशन वगैरह, आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, अब अपना लोकल ट्रिपल का यूजर नेम पासवर्ड वाला याद है, लोकल कीवर्ड से जो हम नॉर्मली राउटर स्विचेज में करते थे, वो भी आप कर सकते हो। तो हम क्या करें, यहाँ से नो
पास डब्ल्यू डी हटा दो यहाँ से, और अब क्या करो तुम, अगेन नहीं ले पाओगे ना एक्सेस बिकॉज आपके पास पासवर्ड नहीं है, तो वैसे तो कर पा रहे हो बट पासवर्ड कहाँ है। सो आप क्या कर दो, अब इस तरह से एक्सेस ना करके मैं बोलता हूँ भाई एक मैं यूजर बनाता हूँ, यूजर नेम मानव पासवर्ड, ठीक है। प्रिविलेज लेवल देना है तो आप बता सकते हो इसको प्रिविलेज 15, और फिर हम क्या कमांड चलाते थे, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। अब की बार ऑथेंटिकेशन किसकी देनी है, टेलनेट की, कंसोल, लोकल, और लोकल ये आपको कैपिटल में ही देना है, ठीक है। देन लेट्स ट्राई फ्रॉम आर टू सी, अब यूजर नेम पूछ रहा है ना, मानव पासवर्ड दीप, नाउ यू कैन सी इट इज इन द एएसए, तो इसका पासवर्ड क्या था, 456, 456, राइट। चलिए तो एक ये बात होगी हमारी, इसके बाद अच्छा ध्यान रखिएगा मैंने इनेबल पासवर्ड वाला पासवर्ड नहीं हटाया था, मैंने टेलनेट वाला पासवर्ड हटाया था, पास डब्ल्यू डी वाला, ठीक है ना। वन मोर थिंग टू रिमेम्बर, सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल से ओके, आपको देखो टेलनेट तो सिर्फ मैंने बताने के लिए बता दिया, अब टेलनेट आपको नहीं रखना है, एसएसएच ही यूज करना है, ठीक है ना। तो आप साथ के साथ भी रख सकते हो, और एक एक टेलनेट कर लिया हटा दो, एसएसएच कर लो, या फिर साथ में कर लो। ये वो केसेस हैं जो मैंने आपको बताया था, एंड आई हैव शोन यू विद प्रैक्टिकल। अच्छा अब एसएसएच की बारी आती है, मैं बोलता हूँ कि मेरा जो सेम, आप टेलनेट यहाँ से भी ले सकते हो, लेट मी शो यू वन मोर थिंग, बुट्टी पे जाऊंगा मैं, टेलनेट, और टेलनेट कितने नंबर पे चलता है, कोड नंबर 23 पे, 192 168.1.con 49, रिमेम्बर मेरा जो मैनेजमेंट इंटरफेस है उसकी आईपी 49 है, और नहीं चल रहा बिकॉज मैंने क्या नहीं किया हुआ अभी इस इंटरफेस पे, जो टेलनेट है वो नहीं चला रखा ना। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, रिमेम्बर यहाँ पे मेरी ये वाली आईपी है डीएचसीपी वाली, तो मैं क्या करूँगा, टेलनेट 10.1.10 एक्चुअली 192.168, ओके इसको होने दो इनएक्टिव, यहाँ से बंद करो, 168.1 डॉट कौन है, मेरा पीसी मेरा 39 है, ठीक है 255, तो मैं आपको स्लैश 24 के लिए, 32 के लिए दिखा रहा हूँ, 255 255, एंड ये मेरा कौन सा इंटरफेस है, मैनेजमेंट। नाउ इफ यू ट्राई अगेन 40 कोड नंबर 23 192.168.1.49 एंड इट शुड बी एक्सेसिबल, वाई ओके जस्ट अ सेकेंड, गिव इट सम टाइम, क्या गड़बड़ करी है हमने, शो रन टेलनेट, टेलनेट पे हमारा मैनेजमेंट पे भी कॉन्फ़िगर्ड है, आउटसाइड पे भी है, अच्छा इसका शो नेम इफ, तो मेरा मैनेजमेंट तो 100 है इस पे तो होना चाहिए, देन व्हाई व्हाई इट्स नॉट शोइंग मी, लेट्स क्लोज इट, लेट्स ओपन इट अगेन, कुछ मैं और गलत कर रहा हूँ क्या, अदर, अच्छा ये मैंने एसएसएच पे क्लिक कर रखा था, ठीक है तो अदर पे क्लिक करके टेलनेट जाना, फिर 23 अपने आप उठा लेगा, 192.168.1.49, नाउ इट इज गुड। तो मैंने अब यूजर नेम वाला बना रखा था ना, तो मानव पासवर्ड इज दीप, नाउ यू कैन सी वी आर इन द इनसाइड द फायरवॉल, सो 456, ग्रेट। अब अगर आप वो चेक करोगे तो अब मेरा लैपटॉप है जो एक्सेस किए हुए है, सो दिस इज अबाउट टेलनेट, है ना। तो मैं यहां से अब क्या कर दूं, एग्जिट, एंड नाउ आई विल डू द एसएसएच। एसएसएच के लिए क्या करना है, अब आपको एक तो डोमेन नेम चाहिए है, आपको क्रिप्टो की जनरेट करनी है, एंड फिर वही जैसे टेलनेट का आपने इंटरफेस इनेबल कराया था, आप एसएसएच का भी इनेबल करा दोगे, और पासवर्ड आप चाहे ये रख लो, नहीं तो मैंने यूजर नेम वाला बनाया हुआ है तो आप उसी से कर लेना, तो वो कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे आप यूजर नेम और पासवर्ड वो कर लो लोकल डेटाबेस से, या फिर सिंपली उसकी बजाय आप अपने इससे कर लो सिंपल पास डब्ल्यू डी से। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो तुम्हारी कमांड थी ना पिच वन ये वाली, इसको नो करना है, ठीक है ना, दैट्स इट। तो तुम फिर नॉर्मल सिंपल पासवर्ड से
एक्सेस ले पाओगे। चलो अब हम क्या करते हैं एसएसएच के लिए, डोमेन नेम बनाना है। सबसे पहले डोमेन नेम, लेट से मैंने बोल दिया सिस्को, क्रिप्टो की जनरेट आरएसए मॉड्यूलस, स्टैंडर्ड साइज ये है, यस करो। देन आप एसएसएच इनेबल कर, अच्छा अनलाइक टेलनेट एसएसएच कैन बी इनेबल्ड ऑन इंटरफेस विद एनी सिक्योरिटी लेवल, बिकॉज ये सिक्योर होता है, इनक्रिप्टेड होता है, तो इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं है, चाहे बाहर वाले इंटरफेस पे करो चाहे आप इनसाइड वाले पे, टेलनेट में ध्यान रखना है ये बात। तो एसएसएच कमांड वही है, बस टेलनेट की जगह एसएसएच लिखना है अबकी बार। लेट से मैं बोलता हूँ 10.192.168.1.39 वाले इंटरफेस, मैनेजमेंट वाले के लिए मेरे को अगर इनेबल करना है, ताकि मैं पुट्टी से दिखा दूँ आपको और किस इंटरफेस पे है ये, मैनेजमेंट पे, अगेन विंडो आर पुट्टी एस एस एच 192.168.1.49। आप इसको एक्सेप्ट करो, लॉग इन एज मानव, पासवर्ड इज दीप, वाई इज दैट, पासवर्ड क्या है, क्या क्या पासवर्ड डालना था हमने, डी डबल ई पी, कैपस्टोन नहीं है, डी डबल ई पी, ओके लेट मी क्लोज इट एंड वेरीफाई द पासवर्ड। ये मैंने नो कर दिया है क्या उसको, अच्छा ठीक है ना। देखो हमने क्या किया हुआ था वहां पे, ट्रिपल ए एंड ऑथेंटिकेशन में टेलनेट पे किया हुआ था इनेबल, है ना। अब हमें किस पे करना है, SSH पे, SSH कंसोल एंड लोकल। नाउ लेट्स ट्राई अगेन कि अब हम कर पाएंगे कि नहीं, 192.168.1.49 कौन है हमारा, मानव, सी वी आर इन द फायरवॉल। तो सेम प्रोसेस है, बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो ट्रबल शूट का सिंपल सा मीनिंग होता है, सबसे पहले क्या देखना है कि वो चेक करो जो करना था वो किया है कि नहीं किया है, पहली बात। किया है अगर, अगर नहीं कर रखा फिर तो करो सारी चीजें जो बची हुई है, कर रखा तो मेक श्योर कि वो ठीक से किया है, मतलब जो सिंटेक्स है वही फॉलो किया है आपने। तो ये दो ही चीजें भाई, दो चीजों में अगर आप अच्छे हो ना तो ट्रबल शूटिंग कोई बड़ी तोप नहीं होती, ठीक है। चलिए तो मैं यहाँ से एग्जिट कर दूँ जस्ट टू शो यू। अच्छा अब मैंने सिर्फ एक इंटरफेस पे किया था, आप दूसरे पे करके देख लो, SSH मान लो मैं आउटसाइड वाले पे करके देखता हूँ। यहाँ से मैं देखूँ शो नेम इफ, तो मेरा 80 वाला लोअर है आउटसाइड वाला, उस पर देखता हूँ इनेबल हो जाएगा क्या। तो SSH 10.1.1.0 जो आउटसाइड वाला यही था, 255.255.255.0 और ये मेरा कौन सा इंटरफेस है आउटसाइड। नाउ लेट्स सी यहाँ से SSH होना है क्या, SSH Login Cisco and 10.1.2 see enable। तो अच्छा इसमें तुम वो नहीं कर पाओगे, एक्सेस लेके देख नहीं पाओगे कि भाई हाँ राउटर से और फायरवॉल को SSH नहीं कर पाओगे GNS3 में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसीलिए मैंने तुम्हें रियल में पट्टी से दिखाया था करके SSH। अच्छा ऐसे ट्राई कर सकते हो भाई, टेलनेट 10.1.1.2 किस पोर्ट पे, 22, ये देख लो ओपन है, इसका मतलब SSH इनेबल्ड है फायरवॉल पे इस इंटरफेस के लिए। अच्छा लेकिन अगर तुम कहीं और ट्राई करोगे ना भाई, कोई और पोर्ट ओपन है, लेट्स से 80 देखोगे, नहीं है, ठीक है, और लेट्स से मैंने बोला यहाँ पे 443, नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो मैंने HTTP सर्वर इनेबल वाला वो अब पहले किया था, अब नहीं। अगर मैं क्या कर दूंगा, फायरवॉल पे जाके HTTP सर्वर इनेबल कर दूं और वो नेटवर्क अलाउ कर दूं HTTP के लिए, जैसे मैंने ASDM में किया था, तो यहाँ से फिर भी पोर्ट ओपन दिखाएगा आपको, ठीक है ना। सेम अगर आप 25 कोई भी पोर्ट देखो वो ओपन नहीं होगा, सिर्फ कौन सा पोर्ट ओपन है, टेलनेट वाला जो हमने क्योंकि इसको इनेबल करवा रखा है। तो फायरवॉल के बारे में तुमने बहुत सुना होगा, ये अननेसेसरी पोर्ट कभी भी ओपन नहीं होते, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो कि पोर्ट ओपन है या क्लोज है फायरवॉल का, या फिर एनमैप और वो सब कुछ टूल्स हैं हैकिंग वाले, जिससे आप स्कैनिंग के जो आप यूज कर सकते हो। बट दिस इज द आइडिया। और कैसे चेक कर सकते हो तुम SSH की क्या बोलते हैं उसको, सेशंस को, तो उसको था उसकी तो कमांड थी फू, इसकी है शो SSH सेशंस। तो अभी तो कोई है नहीं, अगर मैंने जैसे PC से ले रखा था ना, तो यहाँ पे तुम्हें वो दिखा देता जीरो करके तुम्हारे PC की IP।
और क्या है इसमें, शो रन SSH टेलनेट दोनों के लिए दिखा देगा इसकी सारी आउटपुट, शो रन ऑल SSH, यहाँ से इसकी और एग्जैक्ट डिटेल दिखा देगा तुम्हें। व्हाट एल्स इज देयर, लेट्स सी कि और कुछ क्या बचा है हमारा। बाकी ये देख लेना आप, ये सारा रेफरेंस के लिए है। तो ये मैंने लिखा भाई, इसमें पॉसिबल नहीं है इसलिए आपको रियल टाइम से करना रहता है। शो रन SSH भी देख सकते हो आप, शो रन SSH हो में नहीं आएगा SSH का ना। तो ये देखो, ये तुम्हारा वो टेलनेट के लिए होता है। दिस इज इट आई गेस। एंड टेस्टिंग और वेरिफिकेशन के लिए देखो, हम पिंग यूज कर रहे हैं और टेलनेट यूज कर रहे हैं। अभी मैंने दिखाया टेलनेट को आपको विद डिफरेंट पोर्ट नंबर्स, वेरिफिकेशन के लिए यूज करते हो। लॉगिंग और पैकेट ट्रेसर, ये मैं आपको थ्रू आउट पूरे कोर्स में जब जब हमारी ऐसी वेरिफिकेशन की बातें आएंगी तो मैं इन दोनों के थ्रू आपको कर करके दिखाता रहूंगा। लॉगिंग वही है जैसे हम डिबग करते थे ना राउटर्स में, इसमें लॉगिंग से करते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स इट आई गेस फॉर दिस वीडियो एंड फॉर दिस चैप्टर। एंड आफ्टर दिस वीडियो विल स्टार्ट सम अनदर चैप्टर विद सम अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स ऑफ ASA। और अभी तक इतना ही मेथड, इतनी ही मेरी जो PDF है वो प्रिपेयर्ड है, आप देख सकते हो। इसके बाद अभी मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया हुआ है। जैसे मेरे को टाइम लगता जाएगा, होपफुली सून, एंड मैं वीडियोज अपलोड करता जाऊंगा। तो बने रहिए एंड फीडबैक सजेशंस आप देते रहिए प्लीज मेल पे या कमेंट्स में, ताकि मुझे पता चलता रहे हाउ वी आर डूइंग सो फार। एंड या दैट विल बी रियली अप्रिशिएबल। चलिए फिर, शेयर करिएगा वीडियो को अपने सर्कल में जिसको जरूरत है, करियर ग्रो करना है। स्टार्ट कर रहे हो आजकल तो हल्का फुल्का फायरवॉल का सबको पता होना चाहिए, हल्का फुल्का फायरवॉल, सिक्योरिटी, ऑटोमेशन, वायरलेस, तो सबका हाथ ठीक होना चाहिए इस मामले में। और यही एक रीजन है कि CCI को होल्ड करके, साइबर सिक्योरिटी को होल्ड करके हम ये वाला ASA का, एटलीस्ट ASA का फिलहाल कोर्स मैं लेके आया हूँ। बाकी ट्राई करेंगे, पोलो ऑल्टो चेक पॉइंट के कमेंट्स आ रहे हैं कि वो अगर पॉसिबल हुआ इन फ्यूचर विल डू दैट। तो सर्कल में शेयर करना जरूर, वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो यार लाइक बिना कहे कर दिया करो, एंड स्प्रेड द वर्ड आई गेस। और व्हाट एल्स टू से, सो आई विल सी यू गाइस इन सम अनदर वीडियो, अनदर चैप्टर ऑफ ASA फायरवॉल। अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए। बाय बाय।